अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी क्रीम मैंगो डिलाइट। तो जिसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए, दो अदद लिए हैं मैंने मैंगो, जेली ली है मैंने एक क्रीम ली है और पर्स की, ठीक है। तो गार्निश के लिए लिया है मैंने पिस्ता। तो स्टार्ट करते हैं, पहले बनाते हैं जेली जी। देखेंगे आधा कप डालेंगे पानी, आधा कप इसलिए डाला है कि ये जल्दी जेली तैयार हो जाए। मैंगो जेली है मेरे पास, ऑरेंज मैंगो तो नहीं मिली, ऑरेंज है वो मैं बनाने लगी हूँ, वो डालेंगे हम। ये देखें, इस तरह से आप इसको मिक्स करें। थोड़ा सा बाद में इसके अंदर ठंडा पानी डालेंगे, थोड़ा सा। आधा कप इसलिए पानी डाला है ताकि ये जल्दी से बने, अच्छी सी जल्दी तैयार हो जाए। जी ये देखे, मैंने जेली डाल ली है, ये जमनी शुरू हो गई है। इसलिए आधा कप पानी डाला है कि मेरी जेली जो है जल्दी से तैयार हो जाए, जम जाए, ठंडी हो जाए। इसको मैं ना फ्रिज में रखती हूँ कि ये फौरन बन जाए ठंडी होके। जबकि मैंगो छील लेंगे इस तरह पीलर से। आजकल मौसम है मैंगो का, मैंने कहा आपको लिए आपके लिए मैंगो की डिश ले आऊं ताकि आप मज़े करें, इंजॉय करें। मैंगो डिलाइट बनाते हैं, क्रीमी मैंगो डिलाइट, ठीक है। इस तरह हम पील कर लेंगे और उसके क्यूब्स काट लेंगे जी। मैं देखे मेरा मैंगो छिल गया, इस तरह कट लगा के पहले, फिर इस तरह लगा के ये देखे क्यूब्स, इस तरह हम क्यूब्स काटेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ये देखें, इस तरह से क्यूब्स कट गई, फिर इस तरह ये देखें, इसी तरह मैं दूसरा काट लूँगी जी। थोड़ी सी घर की मलाई डालूँगी इसके अंदर, क्योंकि हर घर में घर की मलाई तो मौजूद होती है, तो थोड़ी सी वो भी हम शामिल कर लेंगे। ये देखिए इसको मिक्स करके फिर मैं वो डालूंगी। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्रीम शामिल करेंगे। चीनी है मेरे पास, मैंने ये देखिए घर की आम सादी चीनी है, इसको मैंने पीस लिया, थोड़ी सी वो भी शामिल करेंगे।
अब डालेंगे हम मैंगो। देखिए इस तरह से, देखिए मैंगो डालने के बाद हम डालेंगे क्रीम। अभी आपके सामने मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, आज का नामों का मौसम है, मज़े की रेसिपीज मैं आपको आम की बताऊंगी। जेली जो रखी थी मैंने, ये देखे मेरी जम चुकी है, ठंडी हो चुकी है, इसके पीसेस काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जली डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हो गया। गार्निश के लिए डालेंगे पिस्ता। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सबको तंदुरुस्ती दे। हामी और नासिर हो आपका। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।